सो यस सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे। सो डियर ऑल सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर आपके ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी सारे सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेरी था कि सर कैसे हम अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट को अपलोड करें अगर हमें अपने फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिसंबर में देने हैं। तो फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिसंबर में देने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी है, लास्ट तक जरूर देखनी है, स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। ओनली ICI के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जा करके हमने एक एक चीज़ आपको अपलोड करके बताई है। कुछ CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि आने वाले जो एग्जामिनेशन फॉर्म रहेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन का जो फॉर्म होता है और रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इनमें कुछ डिफरेंसेस उनको नहीं पता है। तो हमारी कमिंग वीडियोज़ इसी के ऊपर आने वाली हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है। तो ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ICAI के SSP पोर्टल पे जाना है। ICAI के SSP पोर्टल पे गूगल पे आप सर्च कर लेंगे इजीली, तो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी साइन इन के नाम से। अब साइन इन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही अपना यूज़र आईडी में जो भी आपका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डल जाएगा, और पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड डल जाएगा, ठीक है। जो भी आपका पासवर्ड होगा और यूज़र आईडी जो आप ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट www.ICAI.org पर भी खोलते हैं, वहाँ पर भी जाकर वो ORG मतलब दैट मीन्स एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, वहाँ पर भी आपको खुल जाएगा। तो लॉगिन करके आप यहाँ पर खोलेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी इस तरह की, ये वाली, ये मेरा है, सब कुछ इस तरह से यहाँ पे बताया गया है इसमें। और यहाँ पे करने के बाद जैसे आपको स्क्रीन पे दिखेगी तो आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल यहाँ पे लिखा रहा होगा तो आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ये पोर्टल खुल जाएगा। अब इस पोर्टल को खुलने के बाद जैसी अपडेट प्रोफाइल पर आपने क्लिक किया, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे। जैसे अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स करने के बाद आपको यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। अपडेट क्वालिफिकेशन इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस पर क्लिक करने के बाद एक मिनट, थोड़ा सा ये सर्वर डाउन हो रहा है। जैसे अपडेट क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। अभी कुछ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का जो चल रहा है माइंड में ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, एक यहाँ पे ये वाली विंडो, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दो मिनट रुकिए, थोड़ा सर्वर डाउन हो रहा है। ये देखिए, ये वाला आपको विंडो दिख जाएगा, और विंडो जैसे दिखेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने भी 16 अगस्त से पहले पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा उनका यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है, मतलब वाई लिखा आ रहा होगा यहाँ पे वाई, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा। जैसे आप ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड करोगे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को करते ही, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एन आ जाएगा, वो वाई की जगह एन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे की साइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लास 10th और क्लास 12th। क्लास 10th तो आपने कर दिया होगा यहाँ पे अपलोड, और क्लास 12th का जो आपका मार्कशीट रहेगा वो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है उसका, यहाँ पे आपको कौन से बोर्ड से आपने 12th पास करी है, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, जिस मंथ में आपने एग्जाम्स पास किया होगा 12th का, अवेटेड पास्ट है या रिजल्ट आपका अवेटेड है या फिर पास हो चुके हो, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स है, परसेंटेज आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। और जैसे आप यहाँ पे करोगे सीधा आपको क्या कर देना है, नीचे सेव पे क्लिक कर देना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा अपना ओटीपी जनरेट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट करेंगे ओटीपी, और ओटीपी को डालने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली 12th का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा, सक्सेसफुली 12th का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा। तो ये फाउंडेशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको एक लाइव तरीके से एक ICAI के पोर्टल पे जाकर के बताया है। मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ, छोटा सा बिल्कुल कंक्लूजन दे रहा हूँ लास्ट में, कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे पोर्टल पे कर लेना है अपना SSP पोर्टल, वहाँ पे लाइक करके यहाँ पे साइन इन करेंगे अपने पास, यूज़र आईडी पासवर्ड खोलेंगे, जैसे आपको कह लोगे ये वाली विंडो आपके सामने खुलेगी, ये वाली, और इस विंडो को खोलने के बाद आपको अपडेट प्रोफाइल पे जाना है। अपडेट प्रोफाइल